राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी। इस कार्यक्रम में दादाजी मछली, मेंढक और कछुए के बारे में बताएंगे। आलेख जीडी शर्मा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई सब तैयार है ना? दादाजी आ चुके हैं और तुमसे बातचीत करने वाले हैं, तो आइए दादाजी। चलता चल, चलता चल, चलता चल, धीरे धीरे, आगे आगे। दादाजी राम राम। राम राम। चलता चल, चलता चल, चलता चल, धीरे धीरे, आगे आगे। दादाजी आप क्या गा रहे हैं, हमें भी तो सुनाइए ना। मेरे नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तो रोज ही कविता सुनाता हूँ, लेकिन तुम मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते। रोज कविता सुनते हो, मेरे पीछे पीछे बोलते हो, लेकिन फिर भूल जाते हो। नहीं दादाजी, हमको आपकी सारी कविताएं याद है। याद है ना दोस्तों? ओए होए, क्या जरा सुनाओ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी लाल रंग की चोंच है, मेरी हरे हरे पंख है, मेरी लाल रंग की चोंच है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वाह वाह, ठीक, बिल्कुल ठीक, तो तुम्हें तो खूब याद है। बच्चों, किसकी होती है लाल चोंच और हरे पंख, बताओ बताओ बताओ। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, तोता। अच्छा बच्चों, आज मैं तुम्हें ऐसी ही कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन बच्चों तुम्हें इन कविताओं के जवाब देने होंगे। अच्छा दादाजी, तो फिर पूछिए। अच्छा तो सुनो, पहले मैं बोलूंगा, फिर मेरे पीछे पीछे तुम बोलना, और जब कविता खत्म हो जाए तो जवाब देना। तो सब तैयार? ओए होए, अगर तैयार हैं तो जोर से बोलें, जी हाँ। ओए होए भाई, एक साथ मिलकर सब बोलो, जी हाँ। शाबाश। तो सुनो, मैं खेल छबीली रानी हूँ। ओए होए भाई, सब साथ मिलकर बोलो, मैं खेल छबीली रानी हूँ। मैं पानी में ही रहती हूँ। हाथ लगाओ डर जाऊंगी, बाहर लाओ मर जाऊंगी। दादाजी एक बार फिर बोलिए ना ये कविता, फिर जवाब देंगे। तो फिर सुनो,
मैं छेल छबीली रानी हूँ, मैं पानी में ही रहती हूँ, हाथ लगाओ डर जाऊंगी, बाहर लाओ मर जाऊंगी। हाँ हाँ, अब दो इसका जवाब। ओए होए, नहीं बता पा रहे ना? अरे सोचो सोचो सोचो, पानी में भला कौन रहता है? मछली। हाँ मछली, ये मछली ही तो है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। दादाजी आप तो गाने ही लगे और दूसरी कविता भी तो सुनाइए। अरे सुनाते हैं सुनाते हैं। अच्छा बच्चों, अब इसको ध्यान से सुनो और फिर जवाब देना। जल में रहता, थल में रहता, उछल कूद कर टर टर करता, वर्षा ऋतु में हम सब मिलकर गाते गीत, मजा तब आता। दादाजी जरा धीरे धीरे बोलिए ना। अच्छा बच्चों, पहले मैं बोलता हूँ और उसके पीछे पीछे तुम सब बोलना, ठीक है ना? तो सुनो, जल में रहता, थल में रहता, उछल कूद कर टर टर करता, वर्षा ऋतु में हम सब मिलकर गाते गीत, मजा तब आता। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब बताओ ये कौन है? अरे बोलो बोलो, नहीं बता पा रहे? जरा सोचो, टर टर कौन करता है? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, मेंढक। अरे मेंढक तो पानी में ही रहता है और जमीन पर भी रहता है, तैरता है पानी में, उछल कूद करता है धरती पर, और बरसात के मौसम में कैसे सब मेंढक मिलकर गाते हैं, सुना है ना तुमने? हाँ दादाजी, जोर जोर से करती है टर टर मेंढक। हाँ प्यारे बच्चों, मेंढक बरसात में ही टर टर करते हैं, सर्दी गर्मियों में नहीं करते हैं। पूछो क्यों? क्यों? अरे तो भला इसमें पूछने की क्या बात है? मेंढक गर्मी और सर्दी में मिट्टी के नीचे छिपकर सो जाते हैं, और बरसात आते ही वो धरती पर आ जाते हैं और टर टर गाने लगते हैं। वाह दादाजी, ये तो बड़े मजेदार बात है कि मेंढक सर्दी और गर्मी में सोते ही रहते हैं। अच्छा दादाजी, एक कविता और सुनाइए ना। पूछो क्यों? ओए होए, क्यों? तो बोला इसमें पूछने की क्या बात है, हम उस कविता का जवाब देंगे। सुनाइए ना दादाजी। अच्छा तो सुनो, चलता चल, चलता चल, चलता चल, धीरे धीरे, आगे आगे, बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, रुक मत, रुक मत, डर मत, डर मत,
चलता चल चलता चल चलता चल चलता चल चलता चल। दादाजी हमें ये कविता समझ में नहीं आई, फिर से सुनाइए ना। अच्छा बच्चों, पहले मैं बोलूंगा फिर तुम सब। चलता चल चलता चल चलता चल। धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल। रुक मत रुक मत, डर मत डर मत। चलता चल चलता चल चलता चल। हाँ तो बच्चों, बताओ ये कौन है? नहीं बता पा रहे ना? सोचो सोचो। अच्छा बच्चों, मैं एक बात और बता देता हूँ। इसकी पीठ बहुत मजबूत होती है, बिल्कुल पत्थर जैसी कड़ी। इस पर कुछ भी मारो, पटको, इस पर कोई असर नहीं होता। और इसकी गर्दन लंबी होती है, जब इसे कोई मारता है तो ये अपनी गर्दन को सिकोड़कर अंदर कर लेता है। अब बताओ ये कौन हो सकता है? ओए होए 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 होए, नहीं बता पा रहे? अरे भाई, ये तो कछुआ है। कछुआ क्या है? कछुआ। हाँ, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अरे अरे, ये क्या, मेरा चुगलखोर तोता यहाँ क्यों उड़ा आ रहा है? ओए होए, लगता है मेरे घर में फिर लड़ाई शुरू हो गई है। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। राम राम। दादाजी राम राम। हाय राम राम। दादाजी कल फिर आना। मैं जरूर आऊंगा। दादाजी राम राम। हाय राम राम। भाई वाह, दादाजी ने तो आज सचमुच कमाल की पहेलियां पूछी। लगता है बहुत से दोस्तों ने सही जवाब दिए। और अब दोस्तों कहो जय हिंद।